हम जाएंगे घूमी घूमी करने। ये तो हम लोग पहुंच गए हैं सुहान की फेवरेट जगह पे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सिमल सन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है सुहान की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। आज है संडे, मैं काफ़ी डेज बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि सुहान पर सारा मेरा फोकस था इसलिए व्लॉग बनाना मैंने छोड़ दिया था। अभी फ़िलहाल हम आज जा रहे हैं संडे इंजॉय करने के लिए। कहाँ जाएँगे, कब जाएंगे ये अभी जैन डिसाइड करेंगे। जैन आ रहे हैं, वो सुहान को राउंड दिलाने लेके गए हैं। नाश्ता हम लोग कर चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में निकलेंगे। मैं सुहान के कपड़े भी निकाल चुकी हूँ, अपने भी निकाल चुकी हूँ। अब जल्दी से रेडी होना है क्योंकि जैन आएंगे, उसके बाद मैं सुहान को रेडी करूँगी। हम लोग जाएँगे संडे इंजॉय करने के लिए। वैसे तो हमने सोचा है कि सुहान की फेवरेट जगह लेकर जाएंगे जहाँ सुहान को बहुत मज़ा आता है, तो हमारे साथ रहें और देखें कि सुहान को आज हम कहाँ ले कर जाते हैं। बाबा आप रेडी हो गए? अब ये सो के उठा है ना, इसलिए थोड़ा खामोश खामोश है। बाबा हम घूमी घूमी करने जा रहे हैं, हम घूमी घूमी करने जा रहे हैं। रेडी हम लोग हो चुके हैं, बस जैन का वेट कर रहे हैं। जैन अभी बाहर गए हैं किसी काम से, वो आते हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमी घूमी करने। ये हम लोग पहुंच गए हैं सुहान की फेवरेट जगह पे। हाँ हम कहाँ हैं, इसकी खुशियाँ चेक करो। सुहान की सबसे फेवरेट जगह सी व्यू, इसको सी व्यू से ज़्यादा और कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना अच्छा मौसम है, आज हवा भी चल रही है, इसलिए आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है, है ना बाबा? चले चले चले, अरे किधर आए हो? क्या गया? हाँ क्या ये? क्या गया? पानी कहाँ आए हैं सुहान बाबा? देखो बाबा के छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे पाँव पानी में हैं। हाँ बाबा, अले अले अले, इसको यहाँ आके बहुत मज़ा आता है भाई। पापा के सारे कपड़े बाबा ने गंदे कर दिए हैं। हाँ बाबा, चलना देखो, चलना देखो, इसका छोटे छोटे पाँव पानी में। वाह बाबा, जुआन आपको मज़ा आ रहा है? जुआन आपको मज़ा आ रहा है? हाँ भाई, कराची की गर्मी तो जा नहीं रही है, इसलिए सबके सब आज सी व्यू ही आ गए हैं। सब इंजॉय करने में लगे हुए हैं क्योंकि नवंबर आ गया पर कराची की गर्मी नहीं गई है। अभी भी वैसे ही गर्मी हो रही है जैसे कि यहाँ पर सितंबर में होती है, अक्टूबर में होती है, अभी भी वैसे की वैसी गर्मी है। मौसम कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है, पर सी व्यू पे इतनी प्यारी हवा चलती है कि गर्मी महसूस होती ही नहीं है। बच्चे यहाँ फुटबॉल लेकर आए हुए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, सब बच्चे इंजॉय करें क्योंकि गर्मी बहुत है ना, और कहाँ जाएं, बाहर जाते हैं कहीं और तो वहाँ पर हवा चलती नहीं है, इसलिए हम लोग सी व्यू आ जाते हैं क्योंकि यहाँ हवा भी चलती है और मौसम भी अच्छा होता है। जुहान, जुहान को बहुत मज़ा आ रहा है ना? ओले ओले ओले, ओ पानी आ रहे, पानी आ रहे, कीजिएगा मेरा बेटा। बाबा मज़ा आ रहा है? हाँ
अरे 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 वो लहर आ रही है जुबान के पास। ये चलो इसकी मस्तियाँ देखो जरा पानी में कैसे वो लहरा रही है जुबान के पास। अरे 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 अब वो जैसे जैसे सूरज नीचे गया ना वैसे वैसे लहरें बढ़ रही हैं। चले क्या वापस? ये देखो भाई छोटा बाबा का कर लाए। अल्लाह मस्तियाँ। बाबा आपका हाथ नहीं छोड़ सकते फिर आप गिर जाते हो। आप लास्ट टाइम भी गिर गए थे पानी में। कहाँ इसका आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है। कहाँ जा रहे हो? हाँ पानी में आगे जाना है। आगे जाना है। जुहान आगे नहीं जाना, जुहान पानी तेज़ी से आ रहा है अब। बस अब आगे नहीं जाना। डर ही नहीं लग रहा लड़के को। जुहान आगे नहीं जाओ बेटे, पानी बहुत ऊंचा ऊंचा आ रहा है अब। चलो पीछे चलते हैं। हाँ पीछे चलते हैं, पानी बहुत तेज़ हो रहा है। पीछे चले क्या? जैसे जैसे अंधेरा होता है ना पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से लहरें बहुत आती हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं अपने सामान के पास क्योंकि पानी बहुत स्पीड से आ रहा है और अब खतरा है वो फिर लहरें बहुत बढ़ जाती हैं तो जुबान गिर भी सकता है, इसलिए हम लोग ना अब वापस जा रहे हैं। वापस चले, इसका मुँह बन गया कि वापस क्यों जा रहे हैं। हाँ क्योंकि लहरें बहुत स्पीड से आ रही हैं, बस अब वापस चलते हैं। लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, खूब अच्छी हवा चल रही है। गर्मी कराची में जैसी हो रही है ना, अगर इंजॉय करना तो फिर सी व्यू ही आओ, यही बेस्ट रहेगा। चलो बाबा आ जाओ, वो देखो बोटिंग हो रही है, वो देखो। सी व्यू से फ्री हो गए तो हम आ गए हैं दो दरिया पे। यहाँ हो रहा है बहुत अंधेरा पर हवा बहुत अच्छी चल एक्टिंग इतने खुश क्यों हो रहे हो? अब लग रही थी हम लोगों को भूख तो इसलिए हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए यहाँ कराची में। ये हम इस रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्योंकि जब से हमने घर चेंज किया है घर के करीब हमें कोई अच्छा रेस्टोरेंट इतना दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी ये रेस्टोरेंट हमें कुछ अच्छा लगा तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं इस रेस्टोरेंट को कि इसका टेस्ट किस तरह का है। यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा था, रेस्टोरेंट बनाया इन्होंने बहुत खूबसूरत है और बाहर से तो खूबसूरत है ही अंदर से भी बहुत प्यारा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमने ऑर्डर किया था एक सिंगापुर फ्राइज और नान रोटी और साथ में कढ़ाई। मैं आप लोगों को मेन्यू बता रही हूँ तो जुहान भी साथ साथ बात कर रहा है और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी और इन सब का टेस्ट वाकई बहुत लजीज था, बहुत मज़ेदार था, मज़ा आया हमें खाना खाने में। कढ़ाई भी बहुत टेस्टी थी, जिंगर बर्गर सोसो था बट कढ़ाई का टेस्ट बहुत मज़े का था और खाना इनका और सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी।
अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम लोग खा चुके थे, तो अब हम लोग घर वापस जा रहे थे। इनका रेस्टोरेंट इतना अच्छा था कि मैंने सोचा कि वापसी पे भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। इन्होंने एक एक चीज़ बहुत अच्छी लगाई हुई है, इन्होंने काफ़ी रेस्टोरेंट को अच्छा सा फर्निश किया हुआ है, तो रेस्टोरेंट ओवरऑल इसको 5 स्टार्स तो बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ चुके हैं और जुहान अभी फ़िलहाल अपने पापा के साथ इंजॉय कर रहा है। जुहान ने सी वी यू पर इतनी मस्ती किया कि अब वो बहुत ज़्यादा थक गया है, तो उसको उसके पापा ने पॉइंट लगा के दे दिया है। अब मैं थोड़ा घर सेट करूँगी, उसके बाद कल जैन ने ऑफिस जाना है तो सुबह की तैयारी भी करनी है मैंने। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में ख़ास याद रखें। अल्लाह हाफिज़।